हमरा दिल के डिक्शनरी में बेवफाई शब्द नहीं खे, बस प्यार 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 बाजुदाई शब्द नहीं खे। आप लोगों से निवेदन बा कि हमने के फिल्म प्रेम लीला जोन की 3 जुलाई के रिलीज होत बा वो जरूर देखी, और ई फिल्म के गाने रिलीज होत बा टी सीरीज द्वारा। नादान बलमुआ बाटे अब कैसे हम बतलाई, आवे कुछ समझ में अब खोल के का समझाई। बताऊंगी कि ये फिल्म के सभी गाने बहुत ही डिफरेंट टाइप का है, जहाँ पे रिक्वायरमेंट रहा है, मतलब कि सिचुएशन के हिसाब से गाने बने हैं। प्रेम लीला जैसे नाम से ही लगता है इट्स अ लव स्टोरी, ऑब्वियसली प्रेम एंड लीला, तो उसी हिसाब से गाने ऐसे बनाए हैं कि सिर्फ भोजपुरी ऑडियंस ही टारगेटेड नहीं हो रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया में जो भी गाने सुन रहे हैं उन लोगों को अच्छा लग रहा है। एज ए एक्टर मेरे लिए ये पहली ऐसी स्क्रिप्ट होगी, मुझे लगा कि मैं कर रहा हूँ कुछ काम, इस टाइप का मुझे फील हुआ। और मैं इतना बोलना चाहूँगा जो हमारे फिल्म के राइटर हैं संजय राय जी, इज ए ब्रिलियंट, और बहुत अच्छे राइटर हैं, और जैसे कहाँ कहाँ से कैसे कैसे प्रेम लीला घूम घूम के कहाँ से ड्रामा है। मैंने बोला ना कि ये बहुत ही इसमें मेहनत की गई है, इस स्क्रिप्ट में बहुत मेहनत हुआ है। आप लोगों को भी मैं बोलूंगी डोंट मिस द बिगनिंग, जैसे फिल्म स्टार्ट होती है उसी टाइम से मतलब सस्पेंस स्टार्ट होता है, और कैसे करके आगे बढ़ते मतलब, फिर इंटरवल में फिर एक सस्पेंस, फिर मतलब वो बाद में जाके क्लियर होता है कि एक्चुअल में है क्या। जो हमारे डायरेक्टर हैं सुशील उपाध्याय जी, वो बहुत दिल से जुड़े हुए रहते हैं सिनेमा से, बहुत प्यार करते हैं। सभी लोग अपना अपना लव स्टोरी यहाँ पे देख पाएंगे, और ऐसा कभी ना कभी होता ही है। और देखिए मैं बताऊं, जो कान के कच्चे होना और लव स्टोरी एक्चुअली में उसी को बोलते हैं कि जब जिससे आप प्यार करते हो उसके खिलाफ आप मतलब एक छोटी सी भी बात नहीं सुन सकते, और अगर आपको ऐसा लग गया कि उसने ऐसा कुछ किया है तो फिर तो आप मतलब आपको लगेगा कि आपकी दुनिया खत्म हो गई, अभी पहले तो मैं उसको खत्म करूंगा। ये बहुत होता है। हाँ। मतलब सबके साथ ये सारी चीज चलती रहती है। तो आप ट्रेलर में भी देखेंगे कैसे मेरे को उठा के लेके मेरा अगर बोलेंगे तो मैं बोलूंगी कौन जादू कहिला नजरिया नराके, कब कैसे आके दिल में समाके, दीवानी बनी ना नजरिया मिलाके, कवन जादू कहिला नजरिया मिलाके। ये तो मेरा ही फेवरेट था। लेकिन एक्चुअली मैं सारे गाने अच्छे, शादी वाला सीक्वेंस आता है उसके जो लटके झटके जो उसके स्टेप्स थे ना, नहीं हाँ वो भी मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है। लटके लचूली बोले कंगनवा बिंदिया पुकारे, आई है सजनवा हमरे अंगनवा नैना निहारे, चूड़ी बोले कंगनवा बिंदिया पुकारे, आई है सजनवा हमरे अंगनवा नैना निहारे। वैसे तो हमारी काफी फिल्में एक साथ पहले भी आ चुकी है, लेकिन प्रेम लीला जब बन रही थी सब्जेक्ट, मैं किसी और को प्रेम एज प्रेम सोच ही नहीं सकती थी। ऑफ कोर्स मैं अपने आप को भी लीला समझ के ही उसको प्रेम सोच रही थी, जो लीला के साथ प्रेम जैसा होना चाहिए था, दैट्स विकॉज़ प्रेम हमेशा अकलाला जीना, कब अकलाला जब बोलीला तब। बबुआ जी अरे तने हर देखी ना के आई, हाय हाय रे ब्यूटी, हाय हाय रे नखड़ा, कभी प्यार जतावे कभी करे लफड़ा। जी का बहुत
बहुत आशीर्वाद रहा हम लोगों के ऊपर। वो एक एक्शन आता है, आप लोग ट्रेलर में देखे होंगे, देव सिंह है उसमें जो मेरे भाई का किरदार निभा रहे हैं, एक्शन है, इनके साथ ही एक्शन था। मात्र 2 घंटे की बारिश थी वो। हाँ, तो वो बारिश हम लोगों के लिए एडिशनल इफेक्ट हो बोल सकते हैं। हम लोग क्रिएट करके वैसा बारिश का शूट और ऐसे छलांग कर, मतलब उसको यूज किया गया कि हाँ ऐसे, हमारे लिए प्लस पॉइंट हो गया। तो वही मैं कह रही थी कि दुर्गा जी का आशीर्वाद रहा होगा कि वो बारिश हम लोगों को वो फाइट और हैपनिंग करने के लिए। अरे आगे नहीं, हम कहाँ बढ़ते, सुशील जी बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं। उनके साथ मैंने एक फिल्म पहले किया है, प्रतिज्ञा। ही इज अ ब्रिलियंट डायरेक्टर और बहुत ही फोकस्ड है एकदम। उनको पता है उनको क्या चाहिए और जब तक परफेक्ट नहीं होगा वो मतलब ओके करने वाले में से नहीं है। अमित मेहरा जो विलन है, हाँ, उनके भाई के रोल में एकदम परफेक्ट। उनका विजन ऐसे ही था क्लियर कि इसमें इसमें मतलब हल्का आदमी चाहिए मेरे को, बॉडी बिल्डर ऐसा एकदम। तो वो हमारे फिल्म में एक और एडेड अट्रैक्शन है। प्लस प्रिया सिंह जो इनके प्यार में वो रहती है। कास्टिंग मतलब इसमें बहुत सारे नए चेहरे मिलेंगे आपको। हाँ, इस सिनेमा में होमवर्क सुशील जी का बहुत। इवन इसमें जो प्रेम का करेक्टर है, मैं बताऊँ इस मैं थोड़ा सा मुझे मैंने वेट अपना बहुत कम किया था, करीब 7-8 kg कम किया, क्योंकि वो ऐसा करेक्टर है कि जिसको देख के थोड़ा सा सिंपैथी आनी चाहिए और वो हकला है। जब जब तो होके लागी कि तू हकला ताड़ा, तू ये सोचा कि हम तो हर बगल में बनी और हम तो हर गाल चुमा ही ना होई। प्रेम बाबू कौन लेगा, हम प्रेम के बारे में बात करे ताने बोल के पूछ कर रहा तब मुंह चाटे लागे। सुशील उपाध्याय जी जो हमारे कैप्टन है, मतलब शिप के कैप्टन रहे हैं, वो पहले से मधुकर जी के साथ भी फुल बैठ के बताए हैं कि हमें ऐसा ऐसा चाहिए, उसी हिसाब के गाने मुझे तुम सुनाओ। जो हमारे लिरिक्स राइटर थे वो भी एकदम परफेक्ट फिल्म के हिसाब से जैसे वर्डिंग्स चाहिए थे वो उन्होंने बताए। देवेंद्र जी जो हमारे फिल्म के कैमरामैन हैं, मतलब इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है इस प्रेमिला फिल्म को बनाने में। सुशील सर ने बोला कि ऐसा सीन है, हमको ये करना है, ऐसा वैसा लाइट दुनिया भर की चीज़ जो भी होती है, और वो बोल के चले जाते थे। और फिर लाइटिंग वाइटिंग जो भी होती थी उसके बीच में आके कभी नहीं बोले कि इतना टाइम क्यों जा रहा है, क्या हो रहा है। मतलब वो लोग एक दूसरे को समझते थे कि मैं जो कर रहा हूँ परफेक्ट कर रहा हूँ, आप जो कर रहे हैं वो परफेक्ट कर रहे हैं। हम लकी हैं, मतलब कि लोग बोलते हैं कि टीम, अगर आपको एक बेस्ट टीम मिलती है तो आप तभी कोई भी मैच जीत सकते हैं। नीलम जी जो प्रेम के मम्मी का रोल किए हैं, उनके फेस के साथ भी मैचिंग, मतलब इतना परफेक्ट कैरेक्टर्स भी मिल रहे हैं। अमित मेहरा जो कि इज माय गुड फ्रेंड, और मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि ब्रिलियंट काम किया उन्होंने। और चाहे उनकी बात करूं मैं, चाहे मेरी जो भाभी बनी हुई है आशा जी हैं, इवन प्रिया, हाँ। जो सारे लोगों ने अपने अपने करेक्टर में, इवन सबसे बड़ी बात मनोज वर्मा जी, हाँ। जो कि इनके फादर का रोल किए हैं, पहले वो हीरो होते थे, हाँ। पहले के समय में, लेकिन इस फिल्म में उन्होंने जो कैरेक्टर किया है ही वाज सुपर। अपना बेटा के समझा दिया कि आइंदा ऐसी गलती ना करे। जी ने बहुत बढ़िया तरीके से Keep it.
बारे में मैं कहना चाहूंगी, मेरे मेकअप आर्टिस्ट और मेरे माय हेयर ड्रेसर महेश और शोभा, थैंक यू। और मैं एक चीज कहना चाहूंगा हमारे ऑडियंस, हमारे दर्शक को, कि हमने बहुत ही मेहनत से इस सिनेमा को बनाया है। ये जो सिनेमा है ना, आप लोगों के इतने करीब आप लोग इसको पाएंगे कि मज़ा आ जाएगा। तो मैं सिर्फ एक शब्द में यही बोलना चाहूँगा कि इस सिनेमा को आप लोग जब देखेंगे तो फुली एंजॉय करने वाले हैं। बहुत शुक्रिया, प्लीज आप लोग प्रेम लीला 3 जुलाई को जरूर देखिए। थैंक यू। छोड़ के हुआ था।